यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो इसी बीच बड़ी खबर मथुरा से आ रही है, जहां पर 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी यहां पर लगी है और बरसाना के हाथियों का रहने वाला ही बदमाश है, जिस पर 50,000 का इनाम था। जुबैर इसका नाम बताया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, एसओजी टीम ने बदमाश को गिरफ्तार किया है। बड़ी कामयाबी यहां पर एसओजी टीम को मिली है। साथ ही मुंबई पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया था और 50,000 का इनामी बदमाश ये था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। मथुरा के माल गोदाम रोड से गिरफ्तारी उसकी हुई है। तो कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस के हाथ लगी है और 50,000 का ये इनामी बदमाश था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और बरसाना के हाथियों का रहने वाला ये बदमाश था जुबेर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। जुबेर हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा, गोपाल हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। गोपाल, क्या इन पर क्या आरोप थे जिन्हें अब इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है? मैडम, इस बदमाश पर ये आरोप थे कि इनके ऊपर कई सारे लूट के मुकदमे दर्ज थे, इन पर कई हत्या के भी मुकदमे दर्ज हैं और ये बरसाना थाने से कम से कम एक दर्जन मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं और ये काफी नामी बदमाश है हाथिया गांव के। जी, अब पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस की ओर से इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, इस पर एसएसपी साहब से बात हुई, उन्होंने बताया कि जितना हो सकता है कि इस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है कि इसको जेल से बाहर न निकले दिया जाए, क्योंकि इनसे कई लोगों को जान और माल का खतरा रहता है हमेशा। जी गोपाल, अभी तक पुलिस ने जो बातचीत की है उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया है? क्या इस इनामी जो बदमाश था, इसके और लोगों के साथ भी कुछ लिंक थे? मैडम, इसके लिंक काफी स्तर तक हैं। ये चतुर गैंग वगैरह जो होते हैं, लोगों को गुमराह करके बुलाने के बाद में जो लूट करते हैं, उनके संरक्षण में भी ये था। काफी मथुरा का बड़ा सरगना है ये। जी, अभी तक पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आया है? अभी तक मैडम जो पूछताछ हुई है, इससे पुलिस अभी कोई पुख्ता जानकारी दे नहीं रही है। जी, और जैसी मुझे जानकारी होती है मैं आपको पूरी जानकारी से अवगत कराता हूँ। चलिए गोपाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, अभी तक इस बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। तो बरसाना के हाथियों का रहने वाला ये बदमाश था, जिसका नाम जुबैर बताया जा रहा है और इसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।